संडे और मेरा कोई संडे नहीं होता। एज यूजुअल खाना पैक कर रही हूँ उनका, और बंदर है, बंदर उधर बैठे हैं पेड़ों पे। मैं ऐसे ही बाहर आई क्योंकि कौवे ज़्यादा इसीलिए बोलते हैं, मुझे ध्यान है कौवे की आवाज़ है, मगर पक्का बंदर होंगे। मैंने देखा उधर पेड़ों पे बैठे हैं दो, अब ये घर में घुसने लगेंगे, इसलिए ना अब गेट बंद रखना पड़ रहा है मुझे बाहर वाला। कैद हो गए हम घर में, पता है। सब्जी बच गई थी ना, इनका तो काम चल गया, अब मम्मा बेटा देखेंगे क्या खाएंगे। और वैसे भी कह रहे हैं वहाँ का भंडारा है शायद, फिर भी मैंने पैक कर दिया खाना, मगर ना अभी हुआ ना जा पाए तो। हाँ आज तो फिर आदि के लिए क्या बनाऊँ ये बताओ पहले। हैं पूरे डाल दे तू हाँ पूड़े खाता दिखा अपने, वो चीनी ना खाता, और पूड़े के लिए फिर वो नाची ना गुड़ पूड़े बना दे बढ़िया तेल में यार के नाम में बता खाता को ना बेटा, वो बाबू रही लगभग नहीं खाता, मतलब वो चाय चार पूड़े पूरा नहीं खाता, नहीं मतलब खाता। खाए चाय चार पूरा हाँ अच्छा नहीं लगता। संडे तो फिर जिंदगी में कदे आओगा कि नहीं, हाथ वाइब्रेट हो रहे मेरे, इवन आई कांट होल्ड कैमरा। बोर्ड और मैं इवन जाऊंगी और वो मैंने बंदर वहां पाया तो ऊपर, हनुमान पाया तो क्यों हो गया, बंदर हनुमान जी है नमस्ते करने जी तो है वो पहाड़ का जाता रहेगा, मैंने मैं उस तक के लिए धमकाऊंगी। हनुमान जी गुस्सा हो तो पार्टी जी दे मैं डर दी। रही हूँ, कपड़े धोने जाती भी पता है, नहाने जाती भी। आदि भी डर रहा था बेचारा, कल नीचे ना आया है बालकनी में, बोला मम्मी बंदर काटेगा, तो इसे छोरा बना दिया है शायद, बंदर तो डर लग गया यार, वो बिल्ली थोड़ी है वो। हाँ इबालन थोड़े ऊपर पा लिया करो ने, कभी तेल पे कभी बेहोश करे रहेंगे। जा रहे हो बाय। ये तो गए अपना नाश्ता पानी करके, आदि आएगा तो ही खाना मांगेगा, और ऊपर कपड़े धुल रहे हैं, ऊपर से बर्तन, सॉरी बंदरों का खौफ है, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। वो दो दो बंदर आ गए हैं, कह तो रहे हैं 6-7 बंदर पूरी कॉलोनी में घुस गए हैं। एक्चुअली यहाँ नहर है पास में ना, नहर पे होते हैं ये, कभी नहीं आते, कभी कभी इक्का दुक्का आ जाता फिर वापस चला जाता, फिर से आओ बहुत सारे बंदर, क्या करूँ। हाँ देखिए देखता रह ना, तू किस जाए, मैं ऊपर कपड़े धोन जाऊँ भाई, मेरे तो मैं मशीन नीचे दरवाऊंगी, मैं करती ऊपर कुछ भी। ये तो ये क्लैरिटी देख तू इसकी। अब आई है ट्रेन 9:15 बजे बताओ, और वो 8:15 बजे से गए हुए हैं, मतलब 1 घंटे से स्टेशन पे ही थे। क्या करें मजबूरियां, नहीं तो निकल जाती हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। कपड़े धुल रहे हैं, बंदरों का खौफ है यार, सोच रही हूँ कपड़े सुखाऊंगी नहीं सुखाऊं। सो कपड़े धुल गए और बेडरूम की हालत इतनी खराब है, बेडशीट उतार के झाड़ूंगी, परसों तो बिछाई थी, वाइट है ना, गंदी हो गई है पूरी, पता है। किचन का हाल खराब है, बर्तन पड़े वो भी धोऊंगी, खाना बनाऊंगी अपने लिए और आदि के लिए, वो तो लेके गए, और ऊपर से मशीन खराब हो गई, बंदरों का अलग से खौफ है, क्या पता कपड़े उतार ले जाए। लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स। खाना बन गया है, छोले मंगाए हैं मैंने बिना प्याज वाले हैं, और ये रही लस्सी, ये रही रोटी, दूध भी गर्म हो रहा है साथ साथ, और आज काम वाली दीदी नहीं आई तो झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा। तो ये नंगू पंगू सो गया है, मैं भी लेट ही जाती हूँ, झाड़ू लगा दिया, और 12 बजे सोई थी रात को, तो मेरे को भी नींद आई है, मैं भी सो जाती हूँ। कितनी हसी जिंदगी है ये। ये आदि के मामा जी की तरफ से गिफ्ट है भाई, आपके लिए है, देखता हूँ कुछ शायद मेरे लिए नहीं है, आदि के और उसके पापा के लिए, दोनों के लिए है। देखा क्या क्या है, देखता हूँ। इनकी एनिवर्सरी थी
तो साथ में आदि के भी मंगवा दिए, बोले इसके भी मंगवा ही देता हूँ। मगर ठीक है भाई, साइज में कंफ्यूजन था, देखते हैं साइज। हाँ हाईलैंडर की बता रहा था। चलो एक चीज बोलिए, टी शर्ट ये मुझे बहुत पसंद आ रही है, शायद ये मेरी है। पापा की शर्ट बता रहा था वो, ये है ना शर्ट। हाँ ये पापा की, वो तेरी है शर्ट ही है। हाँ देख तो पापा के काम की टी शर्ट पहन रहा है, सोने के चक्कर में। डिज्नी। MRP कितना है? 799। मुझे सस्ती बता रहा था, बोला सेल में। वाओ मस्त है ना, मुझे ना डोनाल्ड डक बहुत पसंद है बचपन में। देख साइज आ जाएगा, अब बड़ा है, पहन के देख खड़ा हो गया। ये तेरे पापा गया होगी क्या अभी? खड़ा हो, खड़ा हो, जल्दी पहन के देख, आ जाएगी। इतनी लूज तो होती है, इतनी लूज तो होती है। गंदी हो गई, उठा। येलो कलर वैसे है इसका, ये कपड़े पड़े उतार के लाई हूँ अभी, फोल्ड करना है। कपड़ों की वजह से सो नहीं पाई मैं, मेरा नूर ही कदे कदे बंदर उठा ले जा और कदे वो हो जा। शर्ट दिखाइए, तेरा साइज ना आयो, 46 साइज आयो तेरा, कितना होगा? पापा के पास हाफ स्लीव थी है ना कभी, सही रहा। थैंक यू मामा जी, बोल दे थैंक यू मामा जी। नाना जी ना बेटा, नाना जी तो गए। आई विश वो होते। ये है एक और, शायद पापा की है। दोनों का साइज सेम है शायद, बिकॉज तुम पहन लेते हो ना। उसका भी एम लिखा था। हाँ पहले देख लो किसकी सर। इसका एक अलग वीडियो डाल दूं, फिर इनके स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगी ना एडिटिंग करके। भाई कहोगे तो लिंक भी डाल देंगे, किसी को चाहिए तो है ना। आदि दिखाना नजदीक लाके थोड़ा सा, कैसी है अब? ब्रांड कौन सा? हाईलैंडर ना, और हेयर एंड नाउ और उसका, इसका शायद हाईलैंडर, इसका हाईलैंडर है, इसका डिज्नी है, इसका क्या है? या उसकी है कुक एंड कीच की? कुक एंड कीच की नहीं है आई थिंक। मोडा रैपिडो। अच्छा ठीक है ठीक है। तरी वाले आलू बना रही हूँ मैं। एक्चुअली घर में कुछ सब्जी अवेलेबल नहीं थी और बाहर आदि गया नहीं, उसको लेना भी नहीं आता, कोई कुछ भी चिपका देता बच्चा देख के ना, इसलिए आलू और 2 टमाटर डाल देंगे बस। ये प्रेस का ढेर है, प्रेस होगी इन पे। बोलो बे, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ चाय चल रही है ना, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैंने सोचा था मैं ना पीऊं, पानी भी तो पी सकते हैं, जरूरी छोड़ना है कि वो भी चलाएं। बात। चलो चाय पी के मिलते हैं। पापा या नाक के नथुने ने फड़ा। आलू बनाइए, आलू की सब्जी बनाई तरी वाली मस्त। और मम्मी मुंह के नथुने मटर थी। दोनों पापा बेटा निकल गए बाहर ऐसे ही घूमने, कह रहे थे घूम के आए, तब तक चटनी बना लियो और मरुआ के पत्ते लाए। मरुआ आपको पता होगा ये है, और टमाटर डाल के इसकी चटनी बना रही हूँ। टमाटर की चटनी
दो तीन टमाटर बड़े खराब हो जाएंगे, चटनी बना जाते हैं। खाना चल रहा है, आलू की सब्जी पतली पतली और मस्त चटनी बनाई है मैंने। कैसी लगी, कैसी आती चटनी और दही, मतलब पतली पतली लस्सी? मैं भी खा रही हूँ। अरे बैठ जा, मैंने ना सो पाओ तू फिर दुखी हो। और आपके साथ।